सकता, नहीं जा सकते अंदर। अंदर तो नहीं जाने देंगे तुम्हें, पड़ी रहा यहीं पर। टेम्पो जी, गंगा के साथ ये औरत कौन है? अरे हमें क्या पता यार, हम तो खुद कंफ्यूज हैं। हाँ तो पता रखा करो, वरना जिस तरह से वारिस बढ़ते जा रहे हैं ना जायदाद के, पता नहीं चलेगा कब से बाहर से निकल जाएगा। अभी तो चलो यार। अब किसी तरह सबको पीछे रख कर सिर्फ गंगा को मंच तक लेके जाना है, जहाँ बॉम्ब वाला पुतला रखा है। एक मिनट, माफ कीजिए, आगे सिर्फ हमारे मुख्य अतिथि बैठेंगे, पर आपका बैठने का इंतजाम हमने वहां किया है। राज, कोमल बहु, हम मैडम को बिठाना, और यह किसी भी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ आप जाइए ना, आप आइए। सासमा, सासमा सुनो ना, मुझे भी उद्घाटन करना है। हमारा बस चले तो हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। ठाकुर साहब, yes, ठाकुर साहब, बातें बातें तो होती रहेंगी, है ना? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम ये कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं? कुछ नहीं, आपको ऊपर जाना है, पुतले पर से पर्दा उठाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है। कैसे सावधान करूं गंगा को कि उसकी जान को खतरा है? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो हेलो, तुम कहां अंदर जा रही हो? अब तुम इस घर का हिस्सा तो हो नहीं, ना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, फिर किस हक से तुम फंक्शन में जा रही हो?
पर ये सजना सवरना किसके लिए भाई? हस्बैंड को तो तुमने छोड़ दिया है, तो फिर ये सजना सवर तुम्हारा कोई यार तो नहीं आ रहा? सोच समझ कर बोलिए। अगर एक उंगली मेरी तरफ उठाएंगे तो बाकी की चार उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी। और मुझे कोई शौक नहीं है आपके फंक्शन में आने का। वंश बिना तैयार हुए ही नीचे आ गया है, तो उसे ही तैयार करने जा रही थी। रहने दो, चक्रम तैयार कर देगा उसको। अच्छी माँ बनने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसे 16 श्रृंगार में छुपा कर रखा है। और हाँ, आज हम वहां नहीं आ पाएंगे खाना खिलाने के लिए, इसीलिए ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे तो बेझिझक होकर उसे बेहोश कर देना। जो करना है वो करो, लेकिन याद रहे ये बात, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर ठाकुर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं। रुक्मणी ने किसको छुपा कर रखा है? कहीं वो मेरी कैलाश ही तो नहीं? हाँ, उसके सिवा और कौन हो सकता है? मुझे फौरन 16 श्रृंगार जाके उसे बचाना होगा, उसके बाद मैं गंगा और इस बहुरूपिया औरत का सच सबको बता दूंगा, सबको। दीरू सामान उतारो। अरे आया, जल्दी से ये साड़ी अंदर रखवा, इस फैशन शो की लड़कियों को पहना नहीं है। पिछली बार किसी ने मुझे संदूक में बंद कर दिया था, पर इस बार अपने बाबा को बचाने के लिए मैं खुद इसमें छुप कर जाऊंगी। संकटा मैया मेरे साथ रहना, ताकि मैं रक्षा कर सकूं बाबा की। तुम जल्दी चलो यार, कोई काम धाम है नहीं तुम्हारे पास, जल्दी से इनको दो। ये कहां चली गई? कोमल भी नहीं दिख रही, वो भी गायब है। वो वहां क्या कर रही है यार? वाह वाह जी वाह, कैलाशी देवी जी, बड़ा खुशहाल परिवार है आपका। पर आपको आपके परिवार से क्या लेना देना? क्यों माया जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस आपके खुशहाल परिवार की तस्वीर देख रही थी। बुरा मत मानना, नजर नहीं लगा रही थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वो जस्ट उस तरफ चल रहा है तो आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था की है। चलिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। मम्मी कसम, खनकोर अजीब औरत है यार। ये गंगा आया क्यों नहीं? अभी तक वो बाथरूम में कर क्या रहा है? आसमान में जश्न है और चांद गायब है, ये तो ना इंसाफी है। आप यहाँ?
मुझे ठाकुरायन ने बुलाया है, पर आपके यहाँ जश्न है और आप खुद ही शामिल नहीं है उसमें। वो मुझे बहुत काम है। ये आपके लिए? मेरे लिए क्यों? इतना क्या सोच रही है? आपने अपने मायके के गहने बेच दिए डोरी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बदले में एक छोटा सा तोहफा तो बनता ही है। रुको रुको रुको, ये कुंवर ठाकुरायन ने इन्हें क्यों रोक लिया? तुम लोग जाओ। ये वही संदूक है ना जो शोरूम से आया है? जी हाँ मैम। इसमें वो फैशन शो में दिखाने वाली साड़ियाँ है ना, खोलो इसे, इसमें से मुझे सबसे बेहतरीन साड़ी निकालनी है अपने लिए। मैडम ये तो मॉडल की साड़ियाँ हैं। क्या मतलब, हम मॉडल नहीं दिखते है? क्या मैं संदूक खोलता हूँ। नहीं बंद करो, मैं अब तुमसे नहीं खुलवाऊंगी, जाओ। OOT आउट। नहीं मॉडल नहीं दिखती हो ना, जाओ। खुद ही खोलूंगी मैं अब। अब हमारा ना सही, कम से कम इस तोहफे का मान रखने के लिए इस साड़ी को पहनकर सज धज कर जश्न में आ जाइए। क्या क्या कहा आपने? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक औरत को अपने लिए सजने के लिए कह रहे हैं, और आप होते कौन है मुझे ये साड़ी देने वाले? नहीं चाहिए ये साड़ी मुझे। देखिए, आपके कहने पर मैंने डोरी का बाबा बनने वाली बात मान ली, आप भी मेरी बात मान लीजिए वरना। धमकी दे रहे हैं? नहीं बता रहा हूं, मैं औरत और मर्द दोनों को बराबर समझता हूं। अगर मैंने आपका मान रखा है तो आपको भी मुझे उतना मान देना पड़ेगा, वरना मैं गंगा से फिर अग्नि बन सकता हूं। यह जरूरी नहीं कि एक औरत सिर्फ मर्द के लिए तैयार हो, कभी कभी वो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए भी सच संवर सकती है ना। भीड़ में होना ठीक है, पर भीड़ में खोना ठीक नहीं है। अपने परिवार के जश्न का हिस्सा नहीं बनना है तो ना सही, पर एक औरत होने का जश्न तो मनाइए। आईने में अपने आप को सजा सवरा देखकर मुस्कुराइए। खुश होना, खुश रहना, ये कोई खैरात नहीं है जो कोई और देगा आपको, ये आपका अधिकार है। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, जीवन को जीना जरूरी है। मेकअप करूं ना तो कटरीना कहीं ना सबको धूल चटा दूं।
अब दिखाती हूँ चमक चमक नीलू को। यार तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? अंदर जस्ट शुरू होने वाला है, सच में मम्मी कसम तुम हमें डांट पड़वा के रहोगी यार। वो मिस साड़ियाँ। बे इधर आओ तुम दोनों। जी सर। अब ये सारे बक्से अंदर लेके जाओ, अंदर मॉडल आई है उनको पहनिए, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हो तुम? चलो चल। अरे मुझे नई साड़ी चाहिए, मुझे मॉडल बनना है। अबे यार रानी तू मॉडल हो, अब चलो यार क्या कर रही हो? मुझे उस नीलू गद्दीदार से अच्छा लगना है। अबे यार रानी नो माय बात यार क्या कर रही हो? अरे तुम हर रेस बराबर वालों के साथ दौड़ी जाती है, खरगोश और कछुए का कहां मेला? इसमें कछुआ कौन है? तुम ए? क्या नहीं मतलब नीलू नीलू तुम तो खरगोश हो। क्यूट क्यूट खरगोश। तुम ना ऐसे ही तारीफ करना हमारा दिमाग घुमा देते हो। तुम्हें तुम आओ यार। ये गंगा कहाँ रह गया? एक बार वो आ जाए और उस पुतले पर से वो पर्दा हटाए तो एक ही धमाके में वो और मेरी सारी मुसीबतें एक साथ खत्म हो जाएंगी। आखिर अपनी को यहाँ बुलाने के पीछे कैलाशी ठाकुरायन का मकसद क्या हो सकता है? इसे ढककर क्यों रखा है? ऐसा इसके नीचे क्या होगा? भांजा, मौसी, भूत, भूत, तुझे कैसे आया मेरा भूत? पिछली बार की तरह आज मैं इस पुतले से डरूंगा नहीं बल्कि इसको डराऊंगा। क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी और उस पुतले से दूर रहना, नहीं छूना है उसे। अरे माँ इतनी बड़ी बात क्या हो गई? माँ ऐसे क्यों डांट रही आप वंश को? यश वंश बच्चा है और बच्चों को समझाना हम बड़ों का काम होता है। अब तुम आ ही गए हो तो इसे दूर लेकर जाओ क्योंकि ये जो जश्न हो रहा है वो वंश के लिए नहीं हो रहा है। तो फिर किसके लिए हो रहा है? ये रहे। आप आ गए, आइए ना। यश आई बैठे। अब मेरा शक और पक्का होता जा रहा है कि माँ का सबसे बड़ा बेटा ये गंगा ही है। किसी के आसपास होने की तो खबर नहीं आ रही। आज हम ये जश्न हम हमारे मुख्य अतिथि श्री गंगा प्रसाद जी के लिए कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद जी से हम ये आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आए और उस पुतले पर से वो पर्दा उठाकर हमारे शोरूम की नई डिजाइन आप सबको दिखाएं।